हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और लूप स्टेटमेंट की, दैट इज नोन एज डू वाइल लूप। तो देखिए, अभी लूप स्टेटमेंट में हम लोग फॉर लूप और वाइल लूप स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि डू वाइल लूप को कैसे यूज़ किया जाता है और डू वाइल लूप में और वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट वी राइट डू वाइल लूप। देखिए, इसमें क्या होता है कि डू वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है कि जैसे हमने मान लीजिए, हम पहले यहाँ लिखते हैं डू, यानी जो काम हमें करना है। तो हमने यहाँ लिखा कि से ये वर्क हो गया, फिर ये स्टेटमेंट हो गया और ये स्टेटमेंट, यानी जो भी स्टेटमेंट आपको देने हैं वो आप यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप लिखते हैं वाइल, और यहाँ आप देंगे कंडीशन। जो भी कंडीशन आप देंगे, दिस कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, और यहाँ स्टेटमेंट एंड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये सारे काम आपको तब तक करने हैं जब तक कि यहाँ पे जो आपने कंडीशन दी है वो ट्रू रहती है। क्लियर? तो ये लूप तब तक चलता रहेगा, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप बंद हो जाएगा और प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। अब बात आती है कि वाइल और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि वाइल लूप क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वाइल और डू वाइल लूप में एक माइनर डिफरेंस ये होता है कि दिस डिफरेंस इज द प्लेस वेयर द कंडीशन इज टेस्टेड। द वाइल टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स विद इन द वाइल लूप। एज अगेंस्ट दिस, द डू वाइल टेस्ट द कंडीशन आफ्टर हैविंग एग्जीक्यूटेड द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप। यानी देखिए, दोनों में कंडीशन क्या होता है कि वाइल भी, हम लोगों ने वाइल का भी सिंटेक्स देखा हुआ है। वाइल में हम क्या करते हैं, हम यहीं पे पहले वाइल हम यहाँ लिखते हैं, यहीं कंडीशन लिखते हैं हम, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये सारे काम होने रहते हैं। जो भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं, डू दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक। तो अब इन दोनों में देखिए क्लियर कट आपको डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पे कंडीशन पहले ही चेक हो जा रही है और तब ये काम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार ये पहला लूप होने के बाद, पहला लूप चलने के बाद तब कंडीशन चेक हो रही है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप रुक जाएगा। तो इसका मतलब कि वाइल डू वाइल के केस में, डू वाइल के केस में एक बार, वन टाइम तो ये स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होंगे, जबकि वाइल के केस में जरूरी नहीं है। अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स आ गया इसका रिजल्ट, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये एक जो माइनर डिफरेंस है कि सॉरी, डू वाइल के केस में एक बार जरूर ये लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और वाइल के केस में ये कोई जरूरी नहीं कि एक बार भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो दिस इज द बेसिक एंड द माइनर डिफरेंस बिटवीन द वाइल एंड डू वाइल लूप। अब इसका मतलब क्या होता है कि इट मीन्स दैट द डू वाइल वुड एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन फेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ। ऑन द अदर हैंड, द वाइल will not execute its statement if the condition fails for the first time. तो यही difference होता है। अब इसको मान लीजिए हम एक example लेके बताते हैं। Suppose कीजिए, हमने कहा कि हमने कोई statement आपको दिया इस तरह से, हमने कहा कि main, और यहाँ पे हमने statement दे दिया while 4 is less than 1, ठीक है, और यहां हमने स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट एफ, यहां पे हमने लिख दिया हेलो और स्लैश एन दे दिया मान लीजिए नेक्स्ट लाइन के लिए। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि पहले ही ये कंडीशन चेक हो जाएगी। वाइल 4 इज लेस देन 1, तो 4 इज लेस देन 1 तो होगा नहीं कभी भी, तो ये स्टेटमेंट कभी भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहले टाइम में ही ये कंडीशन फेल हो गया। अगर इसी को आप वाइल से चलाएंगे,
डू वाइल से। तो मान लीजिए आपने मेन दिया और आपने यहाँ पे मेन की बॉडी शुरू की, फिर आपने लिखा डू, और डू के बाद आपने लिख दिया कि प्रिंट एफ, और आपने लिख दिया हेलो स्लैश एन ये, और यहाँ पे आपने डू बंद किया, और यहाँ कंडीशन आपने दी वाइल 4 इज लेस देन 1। अब इस केस में क्या होगा कि देखिए ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा, हेलो प्रिंट होगा, उसके जब बाद ये जब कंडीशन इवेलुएट होगी कि 4 इज लेस देन 1 तो संभव नहीं है, तो दोबारा यहाँ पे प्रोग्राम में कंट्रोल नहीं जाएगा, तो दोबारा ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। अब इसमें क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस पिक्यूलरिटी ऑफ द डू व्हाइल, द व्हाइल एंड डू व्हाइल बिहेव एग्जैक्टली आइडेंटिकल। डू व्हाइल लूप्स आर रेयरली यूज्ड इन सी प्रोग्राम सिंस देयर आर कंपैरेटिवली फ्यूअर ओकेजंस व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट ए लूप एटलीस्ट वंस नो मैटर व्हाट। तो जनरली डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल बहुत कम या रेयरली होता है सी प्रोग्राम में, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन बहुत रेयरली ही आती है कि हमको एक बार प्रोग्राम रन कराना है विदाउट टेस्टिंग द कंडीशन। तो इसीलिए डू व्हाइल की जगह पे, मैक्सिमम जगह पे सी प्रोग्रामिंग में व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू आर यूज्ड विद डू व्हाइल जस्ट एज दे वुड बी इन ए व्हाइल और ए फॉर लूप। तो जैसे हम फॉर लूप में या व्हाइल लूप में यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का, या ये दोनों स्टेटमेंट हम पढ़ चुके, कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है, इन दोनों पे लेक्चर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। इन द सेम मैनर दिस ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज इन डू व्हाइल लूप। क्लियर? ए ब्रेक, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा कि दैट टेक्स यू आउट ऑफ द डू वाइल बाई पासिंग द कंडीशनल टेस्ट। अगर आप ब्रेक कर देंगे तो डू वाइल में ये जो यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे आने के बजाय अगर आप ब्रेक कर देंगे तो प्रोग्राम का कंट्रोल तुरंत बाहर आ जाएगा, और ए कंटिन्यू सेंड्स यू स्ट्रेट टू द टेस्ट एट द एंड ऑफ द लूप। क्लियर? अब जैसे सिंपली इसको अगर आप फ्लो चार्ट से इसी चीज को आप समझना चाहें, तो मान लीजिए इसका हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, ये हो गया आपका स्टार्ट, ठीक। अब उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे वेरिएबल को इनिशलाइज किया, तो हमने यहाँ लिख दिया इनिशलाइज, ये हमने लिख दिया इनिशलाइज, ठीक। अब उसके बाद इनिशलाइज करने के बाद यहाँ पे हम एंटर किए किसमें, बॉडी ऑफ द लूप में, तो यहां हमने लिखा बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप, ठीक। उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे जो भी हमारा काउंटर वेरिएबल है उसको, यहां हमने लिखा इंक्रीमेंट, और फिर इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे हमने टेस्टिंग कंडीशन लगा दी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप चलाओ, और फॉल्स है तो स्टॉप कर दो। तो यहाँ पे हमने लिया टेस्ट कंडीशन, ठीक। अब अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है, अगर हमने टेस्ट किया कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा कि दोबारा से लूप चलेगा, यानी यहाँ पे आप आ जाइए ए इस जगह पे, और अगर फॉल्स आता है तो प्रोग्राम को रोक दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉल्स और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। तो इस तरह से भी आप जो है एग्जीक्यूशन ऑफ डू वाइल लूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए स्टॉप, ठीक है। तो दिस फ्लो चार्ट क्लियरली स्पेसिफाई द एग्जीक्यूशन ऑफ द डू वाइल लूप स्टिल फर्दर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। इसमें हम लोगों ने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट, इन सारे के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और
अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।